मुसलमान पिछड़े ओबीसी सारे मिलके अमित भाई भोईगढ़ साहब को वोट करना है। और अगर से ये मौका तुमने गवा दिया मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, बहुत पछताओगे 5 साल तक। देखो क्या हाल हो रहा है देश में, ना शहर में विकास है ना कुछ है, कितनी तकलीफ में है हमारा शहर। हमने पिछले बार दलित और मुसलमानों ने ओबीसी ने एक को चुन के दिया, फिर भी वो हमारा शुक्रिया अदा नहीं कर रहे, ये उनको बड़ी तकलीफ की बात है। तो मेरे भाइयों, हम मैं खास तौर पर दलित भाइयों का तो वोट हम लेंगे, मगर हम कोशिश ये करेंगे कि हमारे मुसलमान भाइयों का भी वोट एक एक वोट दिलाने की कोशिश करेंगे। अगर तो ये मौका नहीं समझेंगे तो फिर ये जातिवाद पार्टी जीतेंगे जो कि सारे कौमों के लिए तकलीफ दे रही है। बस यही दोनों बोला बोलना है। और हम इनसे जानना चाहेंगे परेशानी है जाति, हमेशा हमेशा जाति के झगड़े करना, ये करना, उसके लिए लोग परेशान हैं, उसके लिए लोगों ने जो विकास में काम करने वाला है ऐसे सेकुलर आदमी को हम चुन के देंगे। और लोगों का एक मन धन्यवाद है, मैं सभी को अपील करूंगा कि औरंगाबाद में पानी का मसला बहुत बड़ा है, कचरे का मसला है, गुलमंडी पे 4 लोग एक्सपायर हुए डेंगू के मच्छर काटने की वजह से, और जो 25 साल से माया कारपोरेशन के तालों में वो कभी कचरे का भी नियोजन नहीं कर सके, पानी का नियोजन नहीं कर सके। मेरे सभी मतदार बंधु और भगनों से ये अपील है, ये विनंती है कि आप वंचित बहुजन आघाड़ी और मुझे जिताइए, मेरी निशानी गैस सिलेंडर है और विकास के साथ चलिए। आमीन।